सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टेक चैनल टेक फोन 5G। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बिना बैंक जाए बैंक का किसी भी बैंक का ब्रांच कोड कैसे पता कर सकते हैं घर पर ही। और उसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप बिना बैंक जाए किसी भी बैंक का ऑनलाइन घर बैठे ही आप किसी भी बैंक का IFSC कोड और उसके साथ ही ब्रांच कोड और उसके साथ ही कस्टमर केयर नंबर पता कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप किसी भी बैंक का बिना बैंक जाए ब्रांच कोड, IFSC कोड और कस्टमर केयर नंबर पता करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और साथ में दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बताते हैं कि आपको कैसे मिल सकता है बिना बैंक जाए आपको ब्रांच कोड, IFSC कोड और उसके साथ ही आपको कस्टमर केयर नंबर अपने बैंक का। सो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ब्रांच कोड, IFSC कोड और कस्टमर केयर लेने के लिए आपको सबसे पहले आपको मोबाइल के स्क्रीन पर चलना होगा, और उसके बाद आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा, और उसके बाद से आपको सर्च बार में आपको लिखना होगा स्विफ्ट ISC कोड। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भी यूज कर लिया है इसको, तो वो टाइमिंग रिसेंटली बता रहा है, तो इसको आप लिख लें स्विफ्ट IFSC कोड। और ये लिखने के बाद आपको सिंपल सा गो पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले तो आपको स्विफ्ट IFSC कोड लिख कर सर्च पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहां आपको एक वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी IFSC स्विफ्ट कोड का। तो सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप ऊपर से देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सिलेक्ट बैंक नेम, यानी आपको जिस बैंक में आपका अकाउंट है और जिस बैंक का आप ब्रांच कोड जानना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं सिंपल सा आपको SBI का दिखा देता हूँ प्रूफ के लिए। सो उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे लिख रहा है सिलेक्ट स्टेट, यानी आपका जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल सा मैं बिहार पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा नंबर पर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम, यानी आपके जिले का नाम पूछ रहा है, आप जिस जिला में रहते हैं उसका नाम पूछ रहा है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे वेस्ट चंपारण क्लिक कर लेता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे वेस्ट चंपारण पे क्लिक कर लिया। और उसके बाद आपको यहाँ पे चौथा नंबर पे देख सकते हैं कि ब्रांच नेम पूछ रहा है, सिलेक्ट ब्रांच नेम, यानी आपके ब्रांच का क्या नाम है, यानी कि जो आप जिस जिला में रहते हैं वहीं का ब्रांच होता है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे ADB बेतिया है जिला, और यहीं पर मैं रहता हूँ और यहीं का ब्रांच है, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल सा मैं ADB बेतिया पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद से आप देखते कुछ नीचे आएंगे तो आपको एक नया इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा जहां आपको IFSC कोड, MICR कोड और उसके साथ ही आपको बैंक का नाम और उसके साथ ही आपको पिन कोड, ब्रांच कोड और उसके साथ ही आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर और उसके साथ ही आपको ईमेल ID और उसके साथ ही आपको कस्टमर केयर नंबर और उसके साथ ही आपको पिन कोड नंबर और वेस्ट चंपारण यानी आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है और आपके स्टेट का क्या नाम है, सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएंगे। तो सिंपल से आप ऊपर देख सकते हैं कि IFSC कोड, उसके बाद से ब्रांच नेम, और उसके बाद से आप देख सकते हैं ब्रांच कोड, और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि MICR नंबर भी दे रहा है, और इसमें उसके आप बाद देख सकते हैं कि स्विफ्ट कोड जो आपका है, स्विफ्ट कोड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी आपने जिस बैंक को सिलेक्ट किया है स्विफ्ट कोड में वेबसाइट में उसका नाम दिखा रहा है, आपका बैंक का नाम दिखा रहा है। और उसके बाद आपको देख सकते हैं कि एड्रेस बता रहा है आपका, जिस जो आप एड्रेस चूज किए हुए हैं वही एड्रेस बता रहा है। उसके बाद आपका एरिया का पिन कोड बता रहा है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट बता रहा है यानी आप जिस जिला में रहते हैं, और उसके बाद आपका स्टेट बता रहा है कि जिस राज्य में रहते, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा है, ढेर सारा फोन नंबर जो कि टेलीफोन नंबर है और इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ईमेल ID दिखा रहा हुआ है, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक ईमेल ID दिखा रही है जिस पे आप कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। और उसके नीचे आप देख सकते हैं कस्टमर केयर नंबर दिखा रहा है जो कि टोल फ्री नंबर 1811 22 11 1800 425 38 00, यानी दो नंबर टोल फ्री का दिया गया है। तो कस्टमर केयर नंबर यहाँ पे दो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि कैसे आपको ऑनलाइन ही बिना बैंक में जाए आपको IFSC कोड, ब्रांच कोड और उसके साथ ही आपको MICR कोड और सारे डिटेल्स आप ऑनलाइन ही निकाल सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही हमारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन डालने के लिए और सबसे पहले सारे इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।